हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल क्रोशिया। आज मैं आपके लिए क्रोशिया का डिज़ाइन लेके आई हूँ, जो कि डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया के कारण बहुत जल्दी बनता है। आप इस डिज़ाइन को बेबी ब्लैंकेट में, शॉल में, मफलर में, बेबी ड्रेस में, जैकेट में, किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए, स्लिप नोट लगा के ऐसे हमें चेन लेनी है तरीके से, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा लूज। 1, 2, 3, 4 ये हमें चेन लेनी है, मल्टीप्लाई ऑफ 9 प्लस 6। मैं लेके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमने चेन ले ली है मल्टीप्लाई ऑफ 9 प्लस 6। अब हमें लेनी है 3 चेन। 1, 2, 3। 3 चेन लेने के बाद 4 चेन छोड़ के 5th में करना है 1, 2, 3, 4। 5th में करना है हमें एक डबल क्रोशिया। देखिए, ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया। ये हमारे हो गए 6 डबल क्रोशिया, 2, 4, 6। अब हमें लेनी है 5 चेन, 1, 2, 3, 4, 5। 5 चेन लेने के बाद नीचे से 3 चेन छोड़नी है, 1, 2, 3, और हमें करना है 4th चेन में 1 डबल क्रोशिया। देखिए, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 और ये 6। देखिए फ्रेंड, ये हमारी फर्स्ट रो ऐसे ही बनेगी। ऊपर हमें 5 चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, और नीचे यहाँ से हमें 3 चेन छोड़नी है, 1, 2, 3, और 4th चेन में हमें करना है एक बार डबल क्रोशिया। और फिर उसके बाद अगली 5 चेन में हर चेन में से एक बार डबल क्रोशिया। हमें इसी तरीके से 6 डबल क्रोशिया करनी है। फिर हमें 5 चेन लेनी है, 3 चेन छोड़नी है और 6 डबल क्रोशिया करना है। मैं इस पूरी रो को बना के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हमें लेनी है 3 चेन, 1, 2, 3, सेकेंड रो के लिए 3 चेन हमारे डबल क्रोशिया की हाइट के। और उसके बाद लेनी है हमें 4 चेन, 1, 2, 3, 4। ये देखिए, क्रोशिए पे ऐसे 2 बार ऊन लेके और हमें इस 5 की चेन में करना है 3 बार ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए, 2-2 करके हम इसे निकालते रहेंगे, 3 बार ही निकालना है। 2 बार क्रोशिए पे ऊन लेनी है और इनको, ये हमारे क्रोशिए पे ऊके, इनको 2-2 करके निकालेंगे, 2-2, फिर ये लास्ट के 1 बार और करना है हमें ट्रिपल क्रोशिया। इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनेगा। अब हमें लेनी है 5 चेन, 1, 2, 3, 4, 5। 5 चेन लेने के बाद क्रोशिए पे 2 बार ऊन लेके हमें करना है ट्रिपल क्रोशिया। देखिए, ये हो गया हमारा ट्रिपल क्रोशिया। फिर 2 बार ऊन लेके करना है हमें ट्रिपल क्रोशिया। ये हमारी फर्स्ट रो में डबल क्रोशिया और सेकंड रो में ट्रिपल क्रोशिया। डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया के कारण हमारी ये रो बड़ी जल्दी, ये डिज़ाइन हमारा जल्दी बनता है। ये देखिए, क्रोशिया पे 2 बार ऊन लेनी है और इस तरीके से हमें इस 5 की चेन में करना है ट्रिपल क्रोशिया। क्रोशिया पे ऐसे 2 बार ऊन लेके इस 5 की चेन में हमें करना है 3 बार ट्रिपल क्रोशिया। देखिए, 2 बार ऊन लेके इसमें करना है हमें 3 बार ट्रिपल क्रोशिया। अब हमें लेनी है 5 चेन, 1, 2, 3, 4, 5, और फिर हमें करना है 3 बार ट्रिपल क्रोशिया। ये हमारी सेकेंड रो कुछ इस तरीके से बनेगी। मैं इसे पूरा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड,
मैं अपने डिज़ाइन की सेकंड रो को बनाते हुए लास्ट तक आ गई। अब हमें लेनी है चार चेन, 1, 2, 3, 4। चार चेन लेने के बाद क्रोशिया पे ऊन लेके और ये जो हमारी लास्ट चेन है इसमें करना है हमें डबल क्रोशिया। जैसे हमने यहाँ पे किया था शुरू में ऐसे ही हमें यहाँ लास्ट में करना है। अब हमें लेनी है 3 चेन डबल क्रोशिए के लिए, 1, 2, 3 और 5 चेन स्पेस के लिए, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 8 चेन। अब हम इसे पलट लेंगे और क्रोशिए पे ऊन लेके और ये जो हमारी 5 की चेन का स्पेस है यहाँ पे हमें करना है 6 बार डबल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से हम 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया और ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए 2, 4, 6 ये इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए फ्रेंड 6 डबल क्रोशिया करने के बाद हमें लेनी है 5 चेन, 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन लेने के बाद इस 5 की चेन में ये गैप है इसमें हमें करना है 6 बार डबल क्रोशिया जैसे हमने यहाँ पे किया था इसी तरीके से। देखिए ये देखिए 5 चेन लेने के बाद हमें इस गैप में करना है 6 बार डबल क्रोशिया, 1 बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, 3 बार डबल क्रोशिया, 4 बार डबल क्रोशिया, 5 बार और ये 6 बार। ये हमारे डिज़ाइन की 3rd रो इसी तरीके से बनेगी। अब हमें इस गैप में फिर 6 डबल क्रोशिया करना है और बीच में 5 की चेन लेनी है। मैं इसे पूरा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए डिज़ाइन की 3rd रो को बनाते हुए मैं लास्ट तक आ गई हूँ। अब हमने जैसे यहाँ शुरू में 5 की चेन ली थी उसी तरीके से स्पेस के लिए 5 चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन लेने के बाद क्रोशिए पे ऊन लेके और यहाँ से हमें 5वीं चेन में 1, 2, 3, 4 और ये 5 5वीं चेन और नीचे से 1, 2, 3 तीसरी चेन में हमें करना है डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। अब हमें लेनी है 3 चेन, 1, 2, 3 और फिर 5 चेन लेनी है स्पेस के लिए, 1, 2, 3, 4, 5 लेने के बाद 5 और 3, 8 चेन लेने के बाद क्रोशिए पे ऐसे हमें 2 बार ऊन लेनी है और यहाँ करना है हमें ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए इस तरीके से 2-2 करके निकाल देंगे इसे। जैसे हमने इस सेकंड रो में ट्रिपल क्रोशिया किया था इसी तरीके से हमें यहाँ ट्रिपल क्रोशिया करना है, क्रोशिया पे 2 बार ऊन लेनी है और ये इनको 2-2 करके हमें निकाल देना है, 2 बार ऊन लेके और ये 2-2 करके हमें निकाल देना। फिर हमें 2 बार ऐसे क्रोशिया पे ऊन लेनी है, कोई चेन नहीं लेनी और यहाँ पे हमें फिट करना है ट्रिपल क्रोशिया इस तरीके से 2-2 करके 3 बार ट्रिपल क्रोशिया, 1, 2 और ये 3 3 बार करना है हमें ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें लेनी है 5 चेन, 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन लेने के बाद क्रोशिया पे 2 बार ऊन लेके और यहाँ करना है हमें फिर से ट्रिपल क्रोशिया इस तरीके से 2-2 करके हम इन्हें निकालते रहेंगे। क्रोशिए पे 2 बार ऊन लेके और इसी स्पेस में फिर हमें करना है ट्रिपल क्रोशिया, क्रोशिए पे 2 बार ऊन लेके फिर हमें करना है ट्रिपल क्रोशिया। जैसे हमारी सेकंड रो में डिजाइन बना था उसी तरीके से हमारी 4th रो में बनेगा। अब कोई हमें चेन नहीं लेनी है और क्रोशिए पे 2 बार ऊन लेनी है और यहाँ इस 5 के स्पेस में करना है हमें ट्रिपल क्रोशिया। दो
मैक्रून लेके ट्रिपल क्रोशिया, तीन बार ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद लेनी है हमें पांच चेन, एक दो तीन चार पांच, पांच चेन लेने के बाद फिर हमें यहीं पे करना है ट्रिपल क्रोशिया। इस तरीके से हमारा डिजाइन बनेगा, सेकंड रो की तरह बनेगी हमारी फोर्थ रो। मैं इसे यहाँ तक बना के दिखाती हूँ, ये देखिए इस रो को बनाते हुए मैं यहाँ तक आ गई। अब हमें लेनी है फाइव चेन, एक दो तीन चार पाँच, पांच चेन लेने के बाद क्रोशिया पे ऊन लेके और ये नीचे से तीसरी चेन में, एक दो तीन, तीसरी चेन में हमें करना है एक डबल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे किया था तीन की चेन ली थी, वैसे ही हमने यहाँ पे एक तीन की चेन के बराबर का डबल क्रोशिया कर दिया। अब हमें लेनी है तीन चेन, एक दो तीन, तीन चेन लेने के बाद इस फाइव की चेन स्पेस में हमें करना है छः बार डबल क्रोशिया। एक हमारे तीन की चेन होगी और हमें पांच बार और करना है डबल क्रोशिया। ये देखिए ऐसे, ये तीन की चेन एक डबल क्रोशिया, ये दो डबल क्रोशिया, ये तीन डबल क्रोशिया, ये चार डबल क्रोशिया और ये पांच डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमें ये छह डबल क्रोशिया करना है। फिर हमें पांच चेन लेनी है, एक दो तीन चार पांच, पांच चेन लेने के बाद ये पांच की चेन स्पेस में हमें करनी है फिर से छह डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, जैसे हमने इस रो में किया था थर्ड रो में उसी तरीके से इसमें होगा, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, पांच डबल क्रोशिया और ये छह डबल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से फिर हमें लेनी है पांच चेन, एक दो तीन चार पांच, पांच चेन लेने के बाद ये जो हमारी पांच चेन का गैप है यहाँ पे हमें करना है फिर से छह डबल क्रोशिया। मैं इसे बना के दिखाती हूँ, ये देखिए ये छह डबल क्रोशिया करने के बाद हमने लिए पांच चेन, अब हमें इस स्पेस में करना है छह डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया और ये पांच डबल क्रोशिया और छठा डबल क्रोशिया हमें एक दो तीन, तीन चेन छोड़ तीसरी चेन में यहाँ पे हमें करना है, नीचे से दो चेन छोड़ के तीसरी चेन में इस तरह। ये हमारे हो गए छह डबल क्रोशिया, जैसे हमने शुरू में यहाँ पे किया था इसी तरीके से हमारे लास्ट में। ये देखिए फ्रेंड मेरा ये डिजाइन फाइव रो में कंप्लीट हो गए और ये यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं जैसे फ्लावर बने हो, और ये सेकंड रो फिफ्थ रो के बाद सिक्स्थ रो जो हमारी बनेगी वो सेकंड रो की तरह बनेगी। इसी तरीके से जितनी आपकी लंबाई चाहिए आप उतनी रो को रिपीट करते रहिए और इस डिजाइन को बनाइए। मैं दिखाती हूँ, अब हमें लेनी है तीन चेन, एक दो तीन, जैसे हमने यहाँ सेकंड रो में लिया था फिर हमें लेनी है चार चेन स्पेस के लिए, एक दो तीन चार। अब हम इसे पलट लेंगे और यहाँ पे हमें करना है कैसे, ये जैसे ट्रिपल क्रोशिया किया था इस तरीके से, ट्रिपल क्रोशिया होगा सेकंड रो की तरह ही। ये हमारी सिक्स रो है, इस सेकंड रो की तरह बनेगी, तीन बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर फाइव चेन, एक दो तीन चार पांच, फिर ट्रिपल क्रोशिया इसी स्पेस में। ट्रिपल क्रोशिया एक बार और, फिर ट्रिपल क्रोशिया एक बार और। ये हमारी सेकंड रो की तरह ये वाली सिक्स रो बनी, मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे ट्रिपल क्रोशिया तीन बार करने के बाद
फिर हमें कोई चेन नहीं लेनी है। और फिर अगले पांच की चेन में हमें फिर से करना है ट्रिपल क्रोशिया तीन बार, फिर बीच में पांच की चेन और फिर उनके बीच में उसके बाद तीन बार और ट्रिपल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से फाइव चेन, तीन बार ट्रिपल क्रोशिया। ये हमारी पूरी रो इसी तरीके से बनेगी जैसे मैंने सेकंड रो बनाई। मैं इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इसके बाद इस डिजाइन के लिए आपको जितनी लंबा जितना ज्यादा बनाना है, जितनी ऊंचाई रखनी है, आप उतना इस डिजाइन को बना सकते हैं। आप इसे जैकेट में, बेबी ब्लैंकेट में, शॉल में, मफलर में, किसी भी चीज में इस डिजाइन को डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मेरा ये डिजाइन बहुत जल्दी कंप्लीट हो गए हैं। डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया एक कान ये जल्दी बनते हैं और इसमें ऊन भी बहुत कम खर्च होती है। अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।